हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे करवाया जाता है और इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले, अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं अगर इसकी। ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है, तो एक टाइप का सिंड्रोम होता है जिसमें वेरिएबल अमाउंट में एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है और इसको पैथोलॉजिकली कैरेक्टराइज किया जा सकता है ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन के थ्रू, जिसमें साथ में इयोसिनोफिल इन्फिल्ट्रेशन प्रेजेंट होता है। फिजियोलॉजिकली अगर देखें तो ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिविटी प्रेजेंट हो सकती है, और अगर क्लिनिकली इसको देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कफ देखने को मिलती है पेशेंट में, चेस्ट में टाइटनेस महसूस होती है और व्हीजिंग साउंड सुनाई दे सकती है। अब इसकी टाइप्स पर आ जाएं तो अस्थमा जो है ये दो टाइप का होता है, एक्सट्रिंसिक अस्थमा और इंट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक वाले को एटॉपिक भी कहते हैं, इसमें एक्सेसिव आईजीई रिस्पांस देखने को मिलता है एलर्जन के अगेंस्ट में। और इंट्रिंसिक अस्थमा जो कि नॉन एटॉपिक टाइप का अस्थमा होता है, इसमें कोई ऐसा आईजीई एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें सिर्फ हाइपर इरिटेबिलिटी प्रेजेंट होती है ब्रोंकियल टिश्यूज के, और या फिर मिक्स्ड फॉर्म का भी अस्थमा प्रेजेंट हो सकता है पर्सन में। अब इसकी एटियोलॉजी देख लेते हैं तो अस्थमा ये एक टाइप का हेटरोजेनस डिजीज होता है, मतलब बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं इसके कॉजेशन में, जैसे कि एंड्रोजेनस फैक्टर्स हो सकते हैं या फिर एक्सोजेनस फैक्टर्स हो सकते हैं। एंडोजेनस फैक्टर्स देख लें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो गया है, मोस्टली क्रोमोसोम नंबर 5, 13 या 14 में डिफेक्ट की वजह से ब्रोंकियल अस्थमा कॉज हो सकता है, जो कि प्रीडिस्पोज कर सकता है इसके डेवलपमेंट के लिए, या फिर एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है एयरवे की कॉन्ट्रैक्शन करने की तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, इसके सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। अगर जेंडर और एज के बारे में देख लें तो फीमेल्स जो हैं ये ज़्यादा रिस्क पर होती हैं अस्थमा को डेवलप करने के लिए मेल्स के कंपेरिजन में। एटॉपिक अस्थमा हो गया तो ये ट्रिगर हो सकता है चाइल्डहुड से ही, ये देखने को मिल जाएगा बच्चे में, एक्सेसिव सेंसिटिविटी रहेगी किसी प्रॉब्लम के लिए। और नॉन एटॉपिक टाइप का अस्थमा जो होता है ये ट्रिगर होता है मोस्टली एडवांस्ड एज में। अब देख लें अगर एक्सोजेनस फैक्टर्स के बारे में, तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि ट्रिगर कर सकते हैं अस्थमा के अटैक के लिए, या फिर सेवरल ट्रिगर्स होते हैं जो कि स्टिमुलाई होती हैं, ये सब भी ट्रिगर कर सकती हैं अस्थमेटिक अटैक को। कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो गए हैं जो कि वायरस की वजह से कॉज हो सकते हैं, जैसे कि राइनो वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, ये सब भी जल्दी से प्रीडिस्पोज कर सकते हैं अस्थमा के सिम्टम्स को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा अगर हम लोग देख लेते हैं तो स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर होता है अस्थमा के डेवलपमेंट के लिए। एलर्जेंस हो गए हैं जो कि इनहेल कर सकता है पर्सन, जैसे कि डस्ट है या फिर पॉलेंस हो गए, माइट्स हो गए, या फिर वो इंजेस्ट कर सकता है इन एलर्जेंस को, मतलब वो इनटेक कर सकता है इनका एलर्जेंस का, इसकी वजह से प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, जैसे कि वो सप्लाई हो सकते हैं मिक्स एग्स नट्स या फिर इन सब के थ्रू पर्सन जो है उसको इंजेस्ट कर सकता है एलर्जेंस को। या फिर कुछ ड्रग्स के अगेंस्ट भी हाइपर सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है पर्सन में, जैसे कि एस्पिरिन हो गया, बीटा ब्लॉकर मेडिसिन हो गई, इन सब चीज़ों के लिए भी कुछ लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं। कुछ और फैक्टर्स भी प्रीडिस्पोज कर सकते हैं इसके डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि इमोशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, या फिर स्ट्रेस है बहुत ज़्यादा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर और किसी ऐसे सब्सटेंस से जो कि प्रीडिस्पोज कर सकता है अस्थमा के लिए। अब इसके ट्रिगर्स के अगर बारे में देख लें तो मोस्टली जो अस्थमा जो होता है ये नाइटली में या फिर अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे ये सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है, और एक्सरसाइज जो है ये ट्रिगर कर सकता है अस्थमेटिक अटैक को, कोल्ड एयर है या फिर वायरल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, कोई एलर्जन से एक्सपोजर हुआ है या फिर ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है पर्सन, जैसे कि एस्पिरिन या बीटा ब्लॉकर्स या फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर होते हैं, इन सब चीज़ों की वजह से अस्थमा जो है वो ट्रिगर हो सकता है। अब देखिए अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जल्दी से, तो क्लिनिकल फीचर्स को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं तीन फॉर्म में। एक तो एपिसोडिक अस्थमा हो सकता है पर्सन में, या फिर सीवियर एक्यूट अस्थमा हो सकता है जिसको स्टेटस अस्थमेटिकस भी कहते हैं, या फिर क्रॉनिक अस्थमा हो सकता है पर्सन में। अगर जनरली बात किया जाए तो एटॉपिक इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनमें एपिसोडिक अस्थमा मोस्टली देखने को मिलता है, वही एलर्जिक रिएक्शन हो गया, या फिर जो नॉन एटॉपिक इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें क्रॉनिक अस्थमा देखने को मिलता है पेशेंट्स में। और अब इसके सिम्टम्स के बारे में देख लें तो एपिसोडिक अस्थमा नाम से ही पता चल रहा है कि जो ये
अस्थमा है, ये एपिसोड्स के फॉर्म में अकर करता है। पेशेंट जो होता है इन एपिसोड्स के बीच में एसिम्टोमेटिक रहता है। ये जो एपिसोड्स आ रहे होते हैं अस्थमा के, इसमें ये स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं ऑनसेट में, या फिर जो कि ट्रिगर हो सकते हैं किसी एलर्जन की वजह से, या फिर एक्सरसाइज की वजह से, या फिर कभी कभी ये माइल्ड हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहे हों, जैसे कि सीवियर अस्थमैटिकस में देखने को मिलता है। जो ये अटैक आता है ये फ्यू मिनट्स के लिए रहता है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों में कुछ घंटे तक ये अटैक जो है ये कंटिन्यू करता रहे और सिम्टम्स प्रोड्यूस करता रहे। तो ये जो अटैक आता है, अब इसके अगर सिम्टम्स के बारे में देख लेते हैं, इसमें किसको कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है, तो पैरॉक्सिज्म्स देखने को मिलेगा पर्सन में, वीजिंग का, डिस्निया, कफ, सेंस ऑफ सफोकेशन महसूस होगा पर्सन को, बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होगी, साइनोसिस या फिर परस्पायरेशन कुछ लोगों में देखने को मिल सकता है अगर अटैक बहुत सीवियर है तो। एक्सट्रीमिटीज जो है वो कोल्ड हो जाएंगी क्योंकि अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच पाएगी, ऑफकोर्स लंग इफेक्ट हुआ है तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब लास्ट में देख लेते हैं हम लोग सीवियर एक्यूट अस्थमा, जिसको स्टेटस अस्थमैटिकस भी कहते हैं, इसमें क्या क्या मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो कभी कभी पर्सन में सीवियर डिस्पनिया प्रोड्यूस हो सकता है, अनप्रोडक्टिव कफ देखने को मिल सकता है, पेशेंट जो है वो उठ करके बैठ जाएगा, वो सांस लेने की कोशिश करेगा, उसमें स्वेटिंग देखने को मिल सकती है, साइनोसिस डेवलप कर सकती है, टैकीकार्डिया, पल्सेस पैराडॉक्सस देखने को मिल सकता है। पल्सेस पैराडॉक्सस क्या होता है, इसमें यह होता है कि जब पर्सन इंस्पायर करता है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ये थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है, लेकिन स्टेटस अस्थमैटिकस के केस में ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलता है ब्लड प्रेशर में, को पल्सेस पैराडॉक्सस कहते हैं। क्रॉनिक अस्थमा के केस में अगर देख लें तो एपिसोड जो होता है अस्थमा का वो स्पॉन्टेनियस होता है और ये जनरली नाइट के टाइम में सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। कफ देखने को मिलता है पेशेंट में, वीजिंग प्रेजेंट हो सकती है, चेस्ट में टाइटनेस की सेंसेशन महसूस होगी, अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहा है तो उसमें ब्रेथलेसनेस प्रोड्यूस हो सकती है। सिम्टम्स जो है ये यूजुअली क्रॉनिक टाइप के होते हैं क्योंकि ये क्रॉनिक अस्थमा है, जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेगा पेशेंट उसको ऐसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्रॉनिक कफ प्रेजेंट हो सकता है पर्सन में, म्यूकॉइड स्प्यूटम देखने को मिल सकता है, ये सब कॉमन फीचर्स होते हैं क्रॉनिक अस्थमा के। तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या साइंस देखने को मिलते हैं। अगर चेस्ट में साइंस के बारे में देख लें, फिजिकल साइंस के बारे में, तो अटैक के टाइम पे तो पर्सन जो है जब अस्थमा का अटैक आएगा तो रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, ब्रेथ साउंड जो होते हैं वो वेसाइकुलर होते हैं और प्रोलॉन्ग रेस्पायरेशन देखने को मिलती है, और एक्सपायरेशन जो होता है वो शॉर्ट और हाई पिच्ड होता है, और एक्सपायरेशन जो है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है, थोड़ा लंबा चलता है, और इसमें बहुत ज़्यादा वीजिंग साउंड सुनाई देती है, क्रैकल्स भी सुनाई दे सकती है कभी कभी अटैक के एंड के टाइम पर। अटैक से अगर बीच के बारे में देख ले तो कोई भी फिजिकल साइन प्रेजेंट नहीं होता है और चेस्ट जो होता है वो ऑलमोस्ट क्लियर ही रहता है। और क्रॉनिक अस्थमा का अगर कोई पेशेंट है तो उनमें कभी कभी स्कैटर्ड रॉन्काई साउंड जो है ये सब सुनाई दे सकती है, हमेशा ये सब चेस्ट में प्रेजेंट ही होती है। अब अगर इसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में देख लें तो कंप्लीट ब्लड काउंट करवाया जा सकता है, इसमें इंक्रीज्ड यूजनोफिलिक काउंट प्रेजेंट मिलेगा, मतलब पेशेंट में यूजनोफिलिया प्रेजेंट रहेगा। सीरम टेस्ट करवाया जाएगा, इसमें सीरम आईजीई लेवल्स जो हैं स्पेशली एटॉपिक टाइप के अस्थमा में ये इंक्रीज लेवल देखने को मिल सकता है इसका। स्प्यूटम टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें चारकोट लेडिंग क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और क्या करवाए सकते हैं, स्किन टेस्ट करवाया जा सकता है ताकि जो एलर्जन है उसको डायग्नोस किया जा सके, उसको फाइंड आउट किया जा सके, और इसके अलावा डिफ्रेंशिएट किया जा सके कि पेशेंट में एटॉपिक टाइप का अस्थमा है या फिर नॉन एटॉपिक टाइप का अस्थमा है। लंग फंक्शन टेस्ट या फिर पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाया जाता है, ये यूजफुल होता है एस्टिमेशन करने के लिए कि कितने डिग्री का अस्थमा प्रेजेंट है और कितने डिग्री का एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पेशेंट के ट्रैक्ट में, जिसकी वजह से उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब ये टेस्ट करवाया जाएगा तो उसमें जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी होती है उसके अमाउंट में थोड़ा सा रिडक्शन देखने को मिलेगा, और फोर्स्ड एक्सपायरेशन वॉल्यूम जो होता है इसमें भी रिडक्शन देखने को मिल सकता है, और जो रेशियो होता है इसका FEV1 और FVC का ये भी अमाउंट जो है रिड्यूस्ड होता है, और सीरियल रिकॉर्डिंग करी जाती है इसकी, इसके थ्रू पता चल जाता है कि अगर कोई पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो ट्रीटमेंट जो है वो कितना इफेक्टिव है। कुछ पेशेंट्स में प्रोवोकेशन या फिर चैलेंज टेस्ट कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, चेस्ट रेडियोग्राफी करवाई जाती है। तो इसके अलावा अब देख लेते हैं कि अगर अच्छे से इसका मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, जो ट्रीटमेंट है वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो फिर पेशेंट में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं। तो मोस्टली ब्रोंकियल अस्थमा के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं कुछ, जैसे कि म्यूकस प्लग की वजह से ब्रोंकिक टैसिस डेवलप कर सकती है और एटलेक्टेसिस डेवलप कर सकती है, लोबर या फिर
ग्लोबुलर टाइप की, और जो होगा पेशेंट में कफ की वजह से सबक्यूटेनियस एम्फाइसिमा, मीडियास्टिनल एम्फाइसिमा या फिर स्पॉन्टेनियस निमोनिया डेवलप कर सकता है। कुछ पोर्शंस में लंग के सिस्टिक डीजनरेशन डेवलप कर सकता है, और इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट में रेकरेंट ब्रोंकाइटिस की कंप्लेंट मिल सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उसमें बार बार, और क्या होगा रेस्पिरेटरी फेलियर क्रॉनिक केस में डेवलप कर सकता है, और हार्ट पर इफेक्ट पड़ेगा, कोर पल्मोनरी देखने को मिल सकता है पेशेंट में, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो सकते हैं कुछ इसकी वजह से, जैसे कि डिसरिथमिया हो गया है, और हाइपोक्सिया और स्ट्रेस की वजह से इसे प्रॉब्लम कॉज हो सकती है, या फिर पेशेंट में माइकार्डियल इन्फार्क्शन भी डेवलप कर सकता है। तो ये था एक वीडियो जिसमें हमने एक्सप्लेन किया अच्छे से, शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश करी गई ब्रोंकियल अस्थमा को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, और आपको जो भी डाउट है या आप अगर कोई भी चीज़ के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।